दीपक सिंह, आपका व्यावसायिक शिक्षक, और आपके लिए ये पेपर 3 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप देखें तो आपका पूरा पाठ्यक्रम विद्युत, विद्युत के स्रोत और कैपेसिटर, लाउड स्पीकर, मल्टीमीटर, अर्धचालक, वही डायोड आपका, और डायोड तथा डायोड का सिद्धांत यही है। और इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन देखें कुछ इम्पोर्टेंट, तो 7 क्वेश्चन जो आपको 25 और 5 2 पेज में करना है। तो देखिए, इसमें एक तापायनिक उत्सर्जन क्या है? तो तापायनिक उत्सर्जन खुद अपने नाम में ही बता दे रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को ताप देते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन, कोई भी धातु को, तो जैसे आप बल्ब में आप जलाते हैं तो पीली रोशनी देता है, और एलईडी भी जलाते हैं तो वो ताप से उत्सर्जन होता है, तो इसी को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। मतलब अगर ताप दिया जाए और इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगे धातु, तो उसे हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की धारा, प्रवाह को ही हम उल्टी दिशा को धारा भी कहते हैं, तो इसीलिए तापायनिक उत्सर्जन का जन्म भी हुआ, क्योंकि बिना तापायनिक उत्सर्जन जाने आप इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब जानेंगे तब धारा को जान जाएंगे, कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा को हम धारा कहते हैं। अब पूर्ण दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ बनाकर व्याख्या करें। तो ये प्रैक्टिकल मैंने रजनीश जी आपको कराया भी है और सब लोगों ने देखा भी है। ये आपका मोबाइल चार्जर है, इसकी सर्किट भी आप लोगों ने चार्ट में बनाई है, फिर भी आप एक बार और देख लें। तो इसमें होता क्या है कि एक ट्रांसफार्मर है, देखिए आप, स्टेप डाउन का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक है और 2 डायोड लगे हुए हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट 9 वोल्ट का है, मतलब 220 वोल्ट को 9 वोल्ट कर देगा। तो जब 9 वोल्ट करेगा तो ये दोनों डायोड, चूंकि एसी हमारी एक बार ऊपर चलती है और एक बार नीचे चलती है, और डायोड की ये खासियत होती है कि डायोड इधर से तो धारा जाएगी तो एसी से डीसी वो हो जाएगी, लेकिन उल्टी धारा इसमें नहीं जाने देता। तो जब ये पहली सर्किट हमारी चलती है इस तरह से, तो यह देखिए आप, ये इस तरह से आएगी, अगर इसमें घूमेगी इस तार में तो ये डायोड उल्टी दिशा में कार्य करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि D2 नो, मतलब D1 काम करेगा और D2 काम नहीं करेगा। और जब यही धारा नीचे वाली पैडल आप मारेंगे तो D2 काम करेगा, ये वाला काम करेगा, इधर से धारा जाएगी, ये उल्टी दिशा में पड़ेगा तो ये इसमें धारा नहीं जाने देगा, और इस प्रकार से हमें डीसी पूर्ण दर मिल जाएगी। यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। अच्छा, अगर आपका है तो उसमें एक फ़िल्टर लगा रहता है, ताकि अगर कोई एसी का छोटा सा भी कण इसके अंदर चला जाए तो ये फ़िल्टर उसको, फ़िल्टर का नाम ही है छानना, तो वो छान देगा, और इस तरह से आपकी एसी का ये हाफ डीसी और इस एसी का डीसी। अब यही अगर हाफ वेव पूछ देगा, हाफ वेव, तो एक डायोड आप हटा दीजिए, तो हाफ वेव में क्या होगा, एक का तो बनेगा और एक जो है आपका सीधे ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो फुल वेव और हाफ वेव दोनों हमने आपको पढ़ाया भी है, और चार्ट भी आप बनाए हैं प्रैक्टिकल में, तो हमें लगता है कि कर लेंगे। अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? तो अर्धचालक वही है जो कि सुचालक और कुचालक के बीच में हो, मतलब कुचालक जैसे आपकी लकड़ी है, उसमें करंट फ्लो होगी नहीं क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है नहीं, और सुचालक में तो आपका लोहा सबसे अच्छा सुचालक, तो आपका चांदी सोना माना जाता है, इसके अंदर बहुत ही कोई लॉस भी नहीं होता है। और अब कुछ ऐसे होते हैं पदार्थ की कुचालक, अगर उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दी जाएँ, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनके कक्षा पे बाहरी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो अगर उनको अगर मिला दिया जाए, जर्मेनियम सिलिकॉन को, तो ये अर्धचालक बन जाते हैं। तो मतलब अगर अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम मिला के कुचालक में, तो इनकी खासियत यही होती है कि जब इनको ऊर्जा मिलती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, और नहीं मिलती है तो नहीं होता है, तो इसलिए ये दोनों के बीच की क्वालिटी को मेंटेन करता है, तो इसे हम अर्धचालक कहते हैं। 5 लाइन में आप लिख सकते हैं। मल्टीमीटर के कार्य बताइए, तो मल्टीमीटर के कार्य आप किसी दुकान पर बैठ जाएं और देख लें, मल्टीमीटर हमने क्लास में भी देखा है कि मल्टीमीटर का कार्य वही है कि मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस नापते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू निकालते हैं, और वोल्टेज में आते हैं, डीसी वोल्ट नापते हैं, डीसी करंट नापते हैं, एसी करंट नापते हैं, मेज़र नाप सॉरी नापना मैं गलत बोल रहा हूँ, मेज़र करते हैं, मापते हैं, उसको मेज़र करते हैं,
और मल्टीमीटर के यही कार्य हैं। मल्टीमीटर देखते ही उस पर आपको समझ में आएगा कैपेसिटर का सिद्धांत क्या है। तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, मैंने आपको बार बार बताया कि टेलीविज़न में जब हम ऑफ करते हैं तो कैपेसिटर का काम होता है आवेश को संचित करना, और आवेश को संचित करके फिर वो उसको ज़रूरत पे छोड़ता है, देता है। तो आप टीवी ऑफ करते होंगे तो आपकी टीवी गर्म रहती होगी, ये चीज़ आपने देखा होगा। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट है। एसी और डीसी में क्या अंतर है? एसी में आवृत्ति होती है हर्ट्ज, और डीसी में हर्ट्ज इकाई नहीं होती, मतलब आवृत्ति डीसी में नहीं होती। एक लाइन का उत्तर है एसी और डीसी में। और डायोड का कार्य आप जानते ही हैं, एसी को डीसी में बदल देना, यही काम डायोड का है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 3 के बन सकते हैं, और ये निश्चित तो नहीं लेकिन ज़रूर इसमें से ये क्वेश्चन तो आपका 8 नंबर का, ये क्वेश्चन तो 8 नंबर का है और निश्चित रूप से, और बाकी आपके 2 नंबर 3 नंबर के ज़रूर हैं। और अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको सफलता मिलेगी, भगवान करे आपको एक अच्छी सफलता मिले। दीपक सिंह, और आज 9 या 10 तारीख है। ओके, कल क्लास में हम लोग मिलेंगे ही, संडे है। मेनी मेनी थैंक्स।